फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो सूर्या की मच अवेटेड फिल्म कंगुआ से एक अपडेट है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि 23 जुलाई 2023 को कंगुआ फिल्म के मेकर्स एक मैसिव सरप्राइज देने वाले हैं। तो देखना होगा कि ये सरप्राइज क्या होता है। आपको बता दें, कंगुआ एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर शिवा डायरेक्ट कर रहे हैं, और वहीं इस फिल्म में हमें सूर्या के साथ दिशा पटानी लीड रोल में देखने को मिलेंगी। आपको बता दें, अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है, पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि कंगुआ के मेकर्स इस फिल्म को 2024 के फर्स्ट हाफ में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखना होगा कि इस फिल्म की रिलीज डेट क्या होती है। वरुण धवन की आने वाली अनटाइटल फिल्म वीडी 18 जो तमिल फिल्म थेरी की ऑफिशियल रीमेक होने वाली है। आपको बता दें, मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग 16 जुलाई 2023 से मुंबई में स्टार्ट करेंगे। आपको बता दें, ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसे तमिल डायरेक्टर कलिस डायरेक्ट करने वाले हैं। कलिस ने ही तमिल फिल्म की को डायरेक्ट किया था, और वहीं इस फिल्म को ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर एटली कुमार और मुराद खेतानी प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसमें हमें लीड रोल में वरुण धवन देखने को मिलेंगे। ऑफिशियल तो नहीं है, पर कहा जा रहा है कि इस फिल्म में हमें वरुण धवन के अपोजिट किया अडवाणी लीड रोल में देखने को मिलेंगी। आपको बता दें, वरुण धवन की यह फिल्म 31 मई 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। डायरेक्टर शंकर ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डालते हुए बताया है कि हैदराबाद में गेम चेंजर के एक एक्शन सीक्वेंस को शूट किया जा रहा है, और सुपरस्टार रामचरण भी इस एक्शन सीक्वेंस का हिस्सा है। आपको बता दें, गेम चेंजर एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर शंकर डायरेक्ट कर रहे हैं, और वहीं इस फिल्म में हमें रामचरण के साथ कियारा अडवाणी और एसजे सूर्या जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है। तो देखना होगा कि रामचरण की इस फिल्म की रिलीज डेट क्या होती है। तो राराई पुट्टोरू के हिंदी रीमेक की रिलीज डेट चेंज हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें, पहले यह फिल्म 1 सितंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, पर अब कहा जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म को 16 फरवरी 2024 को रिलीज करने वाले हैं। आपको बता दें, यह फिल्म सूर्या की तमिल फिल्म सोराराई पुट्टोरू की ऑफिशियल रीमेक होने वाली है जिसे ओरिजिनल फिल्म की डायरेक्टर सुधा कोंगारा डायरेक्ट कर रही है, और वहीं इस फिल्म में हमें अक्षय कुमार के साथ राधिका मदान और परेश रावल जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, अक्षय कुमार को इस रीमेक फिल्म को करना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में बताएं। अनुष्का शेट्टी की मच अवेटेड फिल्म मिस शेट्टी मिस पॉली शेट्टी की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। आपको बता दें, ये फिल्म हमें 4 अगस्त 2023 को तेलुगु के साथ तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी। आपको बता दें, मिस शेट्टी मिस पॉली शेट्टी एक रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर महेश बाबूपी ने डायरेक्ट किया है, और वहीं इस फिल्म में हमें अनुष्का शेट्टी के साथ नवीन पॉली शेट्टी लीड रोल में देखने को मिलेंगे। वैसे आपको मिस शेट्टी मिस पॉली शेट्टी का टीजर कैसा लगा था, हमें कमेंट में बताएं। कॉमेडी टाइमिंग मात्रम परफेक्ट काउंट मैडम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।